वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात करेंगे सोनी A7III कैमरा के बेस्ट लेंसेज के बारे में। वो लेंसेज जो मुझे बेहद पसंद है, मैं उन चंद लेंसेज की नाम यहाँ पर लूँगा। ये नहीं कि मैंने हर एक लेंसेज की नाम ले ली, आप जो मन जाकर ख़रीद लो। वही लेंसेज स्पेसिफिकली उन्हीं लेंसेज की नाम मैं लूँगा जो मुझे बेहद पसंद है, जो आपके पास भी होनी चाहिए, तो आपके मैक्सिमम शूटिंग नीड्स को ये सेटिस्फाई कर देगी। तो सबसे पहली लेंस जो मैं रिकमेंड करूँगा A7III कैमरे के लिए, बट बिफोर आई स्टार्ट रिकमेंडिंग द लेंसेज, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा इन लेंसेज के लिए, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर लेंस के लिए। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप नए हो इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स के लिए, एंड अगेन ऐसी वीडियोज़ के लिए जिसमें मैं रिकमेंडेशन बताता हूँ। सो लेट्स मूव ऑन। जो बेस्ट लेंस है, जो सबसे पहली पसंद है मेरी A7III कैमरा के लिए, जो सबसे बेस्ट लेंस मैं कहूँगा, वो टैमरॉन की 28-75 f/2.8 RXT लेंस। अभी 28-75 mm f/2.8 RXT लेंस की जो अभी करंट प्राइस है वो है 57,000, और ये वे अफोर्डेबल है अगर आप कंपेयर करोगे सोनी के जी मास्टर लेंसेज के साथ। यहाँ पे जो सोनी की 24-70 f/4 लेंस जिस प्राइस पे आपको मिलती है, उसी प्राइस पे टैमरॉन आपको 28-75 f/2.8 लेंस दे रहा है। एट द सेम टाइम ये लेंस की जो शार्पनेस है बहुत ही अच्छी है, कलर आउटपुट बेहद उम्दा है, एट द सेम टाइम डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट बॉडी कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो है 28-75 mm f/2.8 लेंस, ये मेरी पहली पसंद है, एंड आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू ऑल्सो, यू शुड हैव दिस लेंस फॉर योर कैमरा। अगर आपके पास A7III कैमरा है या आप फ्यूचर में लेने की सोच रहे हो, अगर आप इवेंट शूटर हो या वेडिंग फोटोग्राफर हो, तब ये लेंस आपके पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 28-75 f/2.8 लेंस। इफ मनी इज इंट इश्यू, बजट कोई इश्यू नहीं, तो फिर आप जाकर जी मास्टर लेंस ले लो। बट मेरी ये रिकमेंडेशन है कि दिस लेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंस टू हैव विथ योर कैमरा, इफ़ यू केयर अबाउट प्राइस, इफ़ यू केयर अबाउट क्वालिटी, दोनों खूबियाँ इन लेंस में है। ना मूविंग ऑन, अगर आप लैंडस्केप शूटर हो, आर्किटेक्चर फोटोग्राफर हो, वीडियो ब्लॉगर हो, आपको एक वाइड एंगल जूम लेंस चाहिए, तो सबसे बेस्ट लेंस फिर मैं नाम लूँगा टैमरॉन की 17-28 mm की f/2.8 RXT लेंस। ये अल्टरनेटिव जो सोनी की 16-35 mm की जी मास्टर लेंस की, 16-35 mm की लेंस की कॉस्ट आपको पता होगा लगभग 1,60,000-70,000 रुपये। वहीं जो आपकी टैमरॉन की 17-28 mm की f/2.8 लेंस है, वो समवेयर अराउंड 66,000 के आसपास में मिल जाती है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त इसकी यही प्राइस है, आप जब देख रहे हो तो हो सकता है कुछ फ्लक्चुएट करे, कुछ डाउन हो या कुछ, आपको मैं नहीं बता सकता, बट एट द टाइम आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो द लेंस कॉस्ट वाज 66,000। तो 17-28 mm की f/2.8 लेंस उन फोटोग्राफर्स के लिए निहायत ही ज़रूरी है, मैं रिकमेंड करूँगा जो लैंडस्केप शूटर हो। स्पेसिफिकली अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो ये लेंस आपको बहुत हेल्प करने वाली है, काफ़ी शार्प लेंस है और काफ़ी उम्दा आउटपुट देती है। आप वीडियो ब्लॉगर हो तब भी ये लेंस आपके पास होना निहायत ही ज़रूरी है, या तो फिर आप लैंडस्केप शूटर हो, आपको लैंडस्केप शूट करना बहुत अच्छा लगता है, आर्किटेक्चर शूट करना बहुत अच्छा लगता है, तब मैं पहली लेंस जो आपको कहूँगा परचेस करने के लिए A7III कैमरे को लेने के बाद, वो आप लो 17-28 mm की लेंस। तो उसमें आपकी जो आर्किटेक्चर फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट है, जो लैंडस्केप फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट है, या अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, इन सारी रिक्वायरमेंट्स को ये लेंस फुलफिल करेगी। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट लेंस की। तो यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बजट लेंस जो सबसे बेस्ट लेंस है जो मैंने यूज़ करके देखा हुआ, वो सोनी की 50mm की f/1.8 लेंस, जो लगभग 20,000 के राउंड फ्रेम में आ जाती है।
तो यहाँ पे एक आप कम्बिनेशन को देखो, अगर आप वेडिंग इवेंट शूटर हो तो आपके पास एक टैमरॉन की 28-75 mm F2.8 लेंस आ गई, आपके पास एक 50 mm की F1.8 लेंस है सोनी की, और अगर आपको थोड़े क्रिएटिव शॉट्स लेने हैं तो आप 17-28 mm को भी अपने आर्सेनल में इंक्लूड कर लो, तो एक बहुत ही अच्छा और लीथल कॉम्बो आपके पास आ जाता है। और इन तीनों लेंसेज की आप कॉस्ट को मिला दो, आप सोनी की 50 mm की लेंस की कॉस्ट को जोड़ो, आप टैमरॉन की 28-75 mm की लेंस की कॉस्ट को जोड़ो, आप 17-28 mm की लेंस की कॉस्ट को जोड़ो, इन तीनों कॉस्ट को जोड़ो, और ये जो तीनों कॉस्ट है वो सोनी की एक लेंस अगर आप परचेस करते हो 16-35 mm की जी मास्टर लेंस, उसमें निकल जानी है, उसके आसपास आ जाती है कॉस्ट। तो आप ये इमेजिन करो कि कहाँ आपको इन तीनों लेंसेस मिल रही है। प्लस अगर आपको मेरी बात का बिलीव नहीं है तो आप यूट्यूब के वीडियोस देखो, आप ऑनलाइन रिव्यूज़ पर रिसर्च करो, अपना टाइम दो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इन लेंसेस कितनी अच्छी है, और इवन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इन लेंसेस को प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी ऑन जी मास्टर लेंसेस। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप वेडिंग इवेंट शूटर हो तो ज़रूर आप 28-75 mm की लेंस लो, और आप लैंडस्केप आर्किटेक्चर फोटोग्राफर हो या आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, आपको कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेने हैं एनवायरनमेंट के, तब भी आप 17-28 mm की लेंस ले सकते हो। इवन फॉर अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो तो 17-28 mm की लेंस आपकी बहुत हेल्प करेगी, काफ़ी अच्छी इमेजेस देती है, अगर यूज्ड अगर आप प्रॉपर वे में करते हो, तब की बात मैं कर रहा हूँ। अगेन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए मैंने जैसे बोला कि 50 mm की F1.8 जिसे मैंने यूज़ करा है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये तीन लेंसेज बेहद ही अच्छी है। अब आ जाती है टेलीफोटो जूम लेंस की बात, तो फिलहाल तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सोनी की जी मास्टर लेंस जो 70-200 mm की F2.8 है, बट टैमरॉन की एक 70-180 mm की VXD लेंस भी इंडिया में अनाउंस हो चुकी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि जो इसकी शिपिंग जो है जून से स्टार्ट हो जाएगी, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मई 2020 में, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि इसकी जो शिपिंग है ये लगभग जून से शुरू हो जाएगी। तो अगर ये लेंस की शिपिंग शुरू हो जाती है और नियर अबाउट इसकी जो कॉस्ट है आपको 92,000 to 1 lakh पड़नी है, अनाउंसमेंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आसपास ही रहेगी, तो आप ये लेंस ज़रूर परचेस कर लेना, ये बहुत ही अच्छी अल्टरनेटिव रहेगी 70-200 mm F2.8 जी मास्टर लेंस। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन सोनी A7 III कैमरे के लिए। अगर आपको इसके बाद कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे एंड में आपके साथ शेयर करनी है कि अगर आपके पास गलती से फर्स्ट जनरेशन की 28-75 mm की लेंस आ गई और फर्स्ट जनरेशन की लेंस आपके पास आ गई, आपके सेलर ने आपको दे दी, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसको जानने का बहुत ही ईजी और सिंपल रास्ता है, लेंस की सीरियल नंबर देखो। अगर आपकी लेंस की सीरियल नंबर 012868 इस पर्टिकुलर डिजिट के पहले की अगर आपकी सीरियल नंबर है, तब आपको आपके सेलर ने फर्स्ट जनरेशन की टैमरॉन लेंस भेज दी 28-75 mm की। तो इसको क्या करना होगा कि आपको जो फर्मवेयर वर्जन है उसको लेटेस्ट में अपग्रेड करना होगा, फ्रॉम फर्मवेयर वर्जन 2 to 3 आपको करना होगा। अपडेट बहुत ईजी है, आपको बस अपने कैमरे के साथ लेंस को जोड़ना है और टैमरॉन की साइट में जाकर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। एक बार जब आपका टैमरॉन का लेंस का सिस्टम अपडेट हो गया, तब आपको कैमरे की स्विच सिर्फ एक बार ऑन ऑफ कर देना है, एंड एवरीथिंग इज नाउ बैक टू नॉर्मल। हालांकि जो सेकेंड जनरेशन की लेंस टैमरॉन ने बना रखी है, जो 012868 के बाद वाली सीरियल नंबर की जितनी भी लेंसेज है उसमें कोई भी ऑटो फोकसिंग इश्यूज नहीं है। तो ये अब ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना आपके साथ बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ आपके साथ छुपाना नहीं चाहता। ये लेंसेज की परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है, लेंसेज की कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है अगर आप जी मास्टर के साथ कंपेयर करो तो। A7 III की बॉडी की जिसके लिए हमें 1,30,000-1,35,000 हम पे कर रहे हैं, उसके लिए हमें 60,000-70,000 तक लेंस के लिए पे करना एक नॉर्मल बात लगती है। अगर हमें एक कॉन्स्टेंट अपर्चर की लेंस मिल रही है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द F2.8 लेंसेस, बट हाँ 1,60,000-1,70,000 पे करना थोड़ा सा नॉर्मल लगता है जब आपको आपकी कंपनी 1,30,000-1,35,000 में कैमरे की बॉडी सेल कर रही है। सो मैंने अपनी फेवरेट लेंसेज जो मुझे लगी थी मैंने उनके नाम आपके साथ शेयर करे। आपकी कौन सी फेवरेट लेंस है आपके A7 III कैमरे के लिए, आप ज़रूर उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।